हमारी पृथ्वी पर असंख्य पशु पक्षी हैं, उनमें से कई ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। अब तो मधुमक्खियां भी धीरे धीरे लुप्त होने की प्राणियों की लिस्ट में आ चुकी हैं। रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी ऑफ लंदन की एक मीटिंग में कहा गया था कि मधुमक्खियां हमारी पृथ्वी पर सबसे अमूल्य प्राणी हैं। इसके अलावा वर्ष 2008 में द गार्जियन ने भी यही बात कही थी। लेकिन अब ये बुरी खबर सामने आ रही है कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो उससे मानव जाति का जीवन संकट में आ जाएगा। मधुमक्खियां इंसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक रही हैं। अगर इनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया गया तो वैज्ञानिक और वन्य जीव विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि मधुमक्खियां उन प्रजातियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी जो निकट भविष्य में विलुप्त होने की कगार पर हैं। मधुमक्खियां अगर लुप्त हो गई तो इससे सारे समाज का विनाश हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियों को अन्य किसी चीज अथवा प्राणी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि मधुमक्खियां तथा फूल पौधों के मध्य का एक संबंध पृथ्वी पर सर्वाधिक व्यापक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर निर्भरता का है। करीब 10 करोड़ वर्ष पूर्व मधुमक्खियां तथा फूलों के मध्य सामंजस्य के द्वारा ये पृथ्वी समृद्ध हुई थी और इस ग्रह पर मानव जाति के उत्थान में मधुमक्खियां बहुत बड़ा कारण रही हैं। धरती पर मधुमक्खियों की करीब 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उन मधुमक्खियों में से अधिकतर हिव्स में नहीं रह सकती हैं। ये प्रजातियां 2 mm से लेकर 4 cm के आकार की अलग अलग प्रकार की होती हैं। वे नए विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, तब भी खुद को उनके अनुसार अनुकूल करने का प्रयास करती हैं। हम जितने भी प्रकार के खाद्य फसलों को उपयोग में लाते हैं उनमें से करीब 75% खाद्य फसलें जिनमें बीज और फलों का उत्पादन होता है उन पर मधुमक्खियों की वजह से ही परागण द्वारा केवल आंशिक तौर पर प्रभाव पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक ये भी पता चला है कि 87 प्रमुख खाद्य फसलें संपूर्ण या फिर आंशिक रूप से परागण से ही संचालित हो पाती हैं। परागण की इस प्रक्रिया में मधुमक्खियों का बहुत योगदान होता है, जिसमें वे हजारों पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। पृथ्वी पर पौधों की विभिन्न प्रजाति पाई जाती है, इसके लिए मधुमक्खियां उत्तरदायी होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAQ के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट से कॉफी, कोको, बादाम, टमाटर और सेब जैसे कुछ फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मधुमक्खियों से मिलने वाले स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ शहद का महत्व प्राचीन काल से रहा है। वर्ष 2009 के आंकड़ों के अनुसार शहद उत्पादक देशों की बात करें तो उनका कुल निर्यात 200 बिलियन से भी अधिक का है। शहद पुराने समय से ही भोजन का एक बड़ा स्रोत रहा है, लेकिन मधुमक्खियां लुप्त होने से ये भी खत्म हो जाएगा। कुछ वैश्विक फसलें परागणों पर सीधे तौर पर निर्भर रहती हैं, जिनसे कुल मिलाकर $235 बिलियन से $577 बिलियन प्रति वर्ष तक की कमाई होती है। लेकिन मधुमक्खियों के लुप्त होने के बाद ये सब नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर मुख्य परागणकर्ता मधुमक्खियां ही हैं, जिनके गायब होने से मनुष्य तथा और भी कई प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इंसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उत्पादन बढ़ने के तरीकों पर भी बहुत सारा उपयोग किया जा रहा है। खास तौर पर खेतीबाड़ी के लिए जंगलों की सफाई की जा रही है और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे 40% परागणक प्रजातियां खास तौर पर मधुमक्खियों की प्रजातियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसी वजह से चाहे जंगली मधुमक्खियां हों या घरेलू मधुमक्खियां, दोनों ही प्रकार की प्रजातियों में बहुत ज्यादा कमी आई है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, विभिन्न स्थानों से कीटों और रोगजनकों के संचारण के द्वारा कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खियों की आबादी खत्म हो रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगों की वजह से भी ये विलुप्त हो रही है। स्विट्जरलैंड की फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार जब मोबाइल फोन पर बात की जाती है तब उससे जो तरंगें निकलती हैं उनके द्वारा मधुमक्खियां अपने मार्ग से भटक जाती हैं। जीव वैज्ञानिक डैनियल फेवरे ने ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे पता चला है कि मधुमक्खियों को ये तरंगें नुकसान पहुंचाती है तथा जब इनके संपर्क में आती हैं तब अन्य मधुमक्खियों को चेतावनी भी देती हैं। विषैले कीटनाशक जैसे न्यूट्रॉनिक्स और प्राकृतिक कीटनाशकों के प्रयोग पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा देना चाहिए, अथवा कृषकों को विशेष फसलों परागण की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए ताकि उसके अनुरूप ही वो कार्य भी कर सके। सरकार और किसानों को चाहिए कि वे पशु पक्षियों के निवास स्थान का संरक्षण करें, मधुमक्खी हेतु खाद्य पदार्थ सदैव उपलब्ध कराते रहें और ऐसी चीजें अपने खेतों पर भी उगा सकें। सभी को मिलाकर हमारे इकोसिस्टम के अनुकूल कार्य करना होगा, तभी इन लुप्त होती हुई प्रजातियों का संरक्षण हो पाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो पृथ्वी पर इंसान की मौजूदगी भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।